नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मॉनस्टर्न क्लासेस में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 9 साइंस की चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन में। और इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग इस चैप्टर से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग थियोरेटिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे इसमें रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे एंड बहुत सारे हम लोग इसमें न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो पहले दो पार्ट्स थे, पार्ट वन एंड पार्ट टू, उसमें मैंने बेसिकली चैप्टर्स को अलग अलग डिवाइड करके पूरे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किए हैं। तो अगर पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखिएगा, तभी ये वाला पार्ट आपको ईजिली समझ में आएगा और जो न्यूमेरिकल्स होंगे आप वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर वो दोनों पार्ट देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में लगभग हम लोग 23 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये जो इस चैप्टर का थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है ना, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। ज़्यादातर जो डिफ़िकल्टी आती है बेसिकली वो न्यूमेरिकल्स में आती है, वो भी हम लोग अलग अलग टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डू बाइसाइकल्स बिगिन टू स्लो डाउन व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग। बहुत आसान सा, पैडल नहीं मारेंगे साइकिल आगे कैसे जाएगा, लेकिन ये आंसर हम लोग नहीं लिख सकते। तो आप इसको देख सकते हैं कि जब हम लोग पैडल मारते हैं तो मान लेते हैं कि फोर्स हमारा लग रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन जो है इस तरह से, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो जस्ट ऑपोजिट है, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरह से है, ठीक है। तो जब हम लोग पैडल ही नहीं मार रहे हैं तो ये जो फोर्स है वो कम हो जा रहा है, अगर ये कम हो जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ड्यू टू द इंक्रीज इन द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, इसी कारण से अगर हम लोग पैडल मारना बंद कर देंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा और बाइसाइकिल स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। वन मार्क्स क्वेश्चन में इस टाइप ऑफ क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप इस तरह से जस्टिफाई कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, बहुत ये भी मैंने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में बताया था, डिफाइन वन न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो वन न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 m/s² इन अ बॉडी ऑफ 1 kg, ठीक है। तो वन न्यूटन फोर्स जो है, ठीक है, विल बी, हम लोग ने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मास होगा हमारा 1 kg एंड एक्सेलरेशन विल बी 1 m/s², ठीक है, तब हम लोग कहेंगे कि दैट इज 1 N फोर्स। तो आप इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं या फिर थियोरेटिकल लैंग्वेज में भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों में ही मार्क्स टीचर को देना पड़ता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाय एन इम्पैक्ट फोर्स, ठीक है। इम्पैक्ट फोर्स क्या होता है, द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन एन अनादर बॉडी इज कॉल्ड बेसिकली एन इम्पैक्ट फोर्स। ये ज़्यादातर टेस्टिंग होती है, जब भी फोर व्हीलर टू व्हीलर्स किसी भी ऑटोमोबाइल्स की टेस्टिंग होती है कि वो कितना इम्पैक्ट सह सकता है ना, उसके अंदर का जो ड्राइवर है, उसमें जो बैठे हुए हैं लोग, उनको कितना ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, वो सब जो टेस्टिंग होती है ऑटोमोबाइल्स कंपनी, वो लोग ज़्यादातर इसमें ऐसा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड गैलीलियो कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि इसी गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बदौलत ही न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे। और इस गैलीलियो के कंक्लूजन क्या किया था गैलीलियो ने, तो अ बॉडी कंटिन्यूज टू मूव विद द सेम वेलोसिटी इफ नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक है। जब इंक्लाइन प्लेन जो राइट हैंड साइड वाला है उसका जो इंक्लिनेशन अगर 0 degree हो जाता है तब क्या होगा, वो बॉल मूव करते रहता है। लेकिन ये तो थियोरेटिकली है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कभी ना कभी एक्ट करेगा और वो बॉल स्टॉप हो जाएगा। लेकिन ये लॉ, ये जो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था, इसी से न्यूटन को आइडिया आया और उसने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया का कंसेप्ट यहीं से जनरेट होता। तो ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट 5th नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। ये भी मैंने बताया था, मान लेते कि एक पर्सन स्काई डाइविंग कर रहा है, ठीक है, तो एक फोर्स लगेगा जो उसको वेट के कारण होगा, ठीक है, और ग्रेविटी के कारण। तो मान लेते हैं एफ वेट जो होगा वो 735 N होगा, और एक फोर्स होगा जस्ट इसके ऑपोजिट जिसको एयर ड्रैग फोर्स बोलते हैं, है ना, क्योंकि आप अगर कूद रहे हैं हवा से तो एक
वैसा भी फोर्स जनरेट होगा ना जो एयर रेजिस्टेंस बेसिकली, क्योंकि हवा देगा, हवा उस हवा भी एक फोर्स की तरह काम करेगा, तो उसी को मेनली एयर ड्रैग कहा जाता है। तो मान लेते वो होता है 135, तो इसमें रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, तो ये माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स जो है 600 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया, हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कर रहे हैं, लेकिन थियोरेटिकल फॉर्म में क्या है कि व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी साइमल्टेनियसली, बहुत इंपॉर्टेंट है, देन द सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर इज नोन एज द रिजल्टेंट फोर्स। मान लेते हैं ये एग्जाम्पल नहीं समझ आया, तो एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं इधर से 100 न्यूटन का, एक फोर्स लगा रहे हैं इधर से 200 न्यूटन का, ठीक है। तो क्या होगा, इधर में फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो बॉडी जो है वो इधर मूव करेगा, और रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 100, दैट इज 100, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस का साइन लगेगा, लेकिन वही अगर एक ऑब्जेक्ट है और जो फोर्स है सेम डायरेक्शन में, तीनों का सेम डायरेक्शन, तब क्या होगा, यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स मान लेते हैं 100 न्यूटन 100 न्यूटन करके है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 300 न्यूटन हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो एडिशन होगा, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन है तो सब्सट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में था स्काई डाइविंग में, एक फोर्स जो एयर ड्रैग के कारण था और एक वेट के कारण, तो इसीलिए यहाँ पर भी सब्सट्रैक्शन होकर 600 न्यूटन बन रहा था, तो इसी को ही रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड वाला फोर्सेस में ये सब डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द गिवन मास, अज्यूमिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ठीक है। तो फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में ग्राफ बनाना है, तो हम लोग ने पढ़ा था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क एक्सिलेशन, है ना, हम लोग ने पढ़ा था ना एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सिलेशन, जितना एक्सिलेशन होगा उतना ही फोर्स होगा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन ग्राफ बेसिकली बनेगा, ठीक है। सेकेंड जो फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि टू बॉल्स ऑफ सेम साइज, ठीक है, सेम से काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, टू बॉल्स ऑफ सेम साइज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, वन इज रबर एंड अनदर इज आयरन, आर केप्ड ऑन द स्मूथ फ्लोर ऑफ ए मूविंग ट्रेन, ठीक है। तो जो हाईलाइट कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना क्वेश्चन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको हाईलाइट जरूर करके सॉल्व कीजिएगा, आपको आसानी हो जाएगी। द ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली टू स्टॉप द ट्रेन, विल द बॉल स्टार्ट रोलिंग, तो ऑब्वियसली ये इनर्शिया के कारण बॉल जो है, दोनों ही बॉल रबर और आयरन बॉल, वो रोल करेगा। इफ सो इन विच डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रहा है, अगर मान लीजिए वो वेस्टवर्ड मूव कर रहा है, तो जो बॉल होगा वो भी वेस्टवर्ड ही मूव करेगा, अगर वो ईस्टवर्ड करेगा तो ईस्टवर्ड करेगा, तो जिधर भी मोशन होगा उधर ही होगा। विल दे मूव एट विद द सेम स्पीड, गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो रबर और आयरन बॉल क्या सेम स्पीड में मूव करेगा, तो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जिसका वेट ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, वही ज्यादा स्पीड में मूव करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आयरन जो है उसकी मास ज्यादा है, तो वो ज्यादा स्पीड में मूव करेगा एज कम्पेयर टू रबर। फिर दूसरा कंसेप्ट भी लगता है कि रबर जो है वो बेसिकली जो फ्लोर का, जो ट्रेन का सरफेस है, फ्लोर सरफेस है, वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, क्योंकि आयरन बॉल जो होगा वो स्मूथ होगा, तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा, तो वो ज्यादा दूर तक जाएगा, लेकिन रबर बॉल जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगेगा, तो वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। आप इस तरह से भी फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स के कंटेक्स्ट से भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट होगा इनर्शियल फोर्सेस के थ्रू लिखने के लिए, ठीक है। तो काफी ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं इस तरह से गिव रीजन में, क्योंकि रट्टा वाला क्वेश्चन कोई भी नहीं आने वाला, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं कि व्हाई मास इज समटाइम्स कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ लीनियर इनर्शिया, तो हम लोग ने पढ़ा कि मास एंड इनर्शिया का डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि इट इज इजियर टू पुल अ लाइटर बॉडी देन अ हैवियर बॉडी, ठीक है। तो जिसका जितना मास उतना ज्यादा इनर्शिया, जैसे देख सकते हैं ये एम्प्टी बाल्टी है, तो इसमें इनर्शिया क्या होगा, इसका कम होगा क्योंकि मास कम है, इसको हम लोग एक उंगली से भी ठेलेंगे तो मतलब ठिल जाएगा, लेकिन इसमें सैंड रखा हुआ है, तो इसमें हम लोग को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें ज्यादा मास है, ठीक है। इसीलिए इसको कभी कभी कोफिशियंट ऑफ लीनियर इनर्शिया भी कहा जाता है, ठीक है। हायर क्लासेस में आप एंगुलर इनर्शिया वो सब का कंसेप्ट पढ़ेंगे, 11th 12th में, अभी फिलहाल कुछ नहीं है।
फिर क्वेश्चन नंबर 9th पे आते हैं कि व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देन व्हाई शुड द बॉडी मूव एट ऑल, है ना। ये थर्ड लॉ का क्वेश्चन है कि अगर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है तो बॉडी मूव क्यों करता है। तो ये बॉडी मूव इसलिए करता है क्योंकि जो एक्शन और रिएक्शन हो रहा है वो सेम बॉडी पे नहीं हो रहा, वो डिफरेंट ऑफ बॉडीज पे हो रहा है। ठीक है, इसी कारण से कि द एक्शन एंड रिएक्शन आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट बॉडीज नॉट ऑन द सेम बॉडीज, दैट इज वाई द बॉडी मूव्स। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10th पे चलते हैं, ऑन व्हाट ऑन विच फैक्टर दस फ्रिक्शन डिपेंड्स। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बॉडी स्लाइडिंग ओवर द सर्फेस। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जो रबर बॉल और स्टील बॉल आयरन बॉल है उसका ही है, जिसका ज्यादा वेट उसका फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो उसमें भी वही था कि आयरन का ज्यादा वेट था तो वो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगेगा। तो सबसे पहले है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बॉडी स्लाइडिंग ओवर द सर्फेस, तो जितना ज्यादा वेट होगा उतना ही होगा। फिर सेकेंड है कि वो नेचर ऑफ द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट, वो मटेरियल जो है ना, ये बॉल हो गया, ये सर्फेस हो गया, ये किस मटेरियल से बना हुआ है। अगर रफ होगा दोनों ही तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, अगर दोनों ही स्मूथ होगा तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पर मूव करेंगे कि बहुत बहुत ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, अ बुलेट फायर्ड अगेंस्ट अ ग्लास विंडो पेन मेक अ होल इन इट एंड अ ग्लास पेन इज नॉट क्रैक्ड, बट ऑन द अदर हैंड व्हेन अ ग्लास स्ट्राइक व्हेन अ स्टोन स्ट्राइक द सेम ग्लास पेन इट गेट स्मैश्ड, व्हाई इट इज सो, है ना। तो जब बुलेट फायर किया जाता है ग्लास पेन पे तो क्या होगा, उसमें एक छोटा सा बस होल होता है, बाकी पूरा का पूरा जो ग्लास है वो एज इट इज रहता है ना, ज्यादातर ऐसे ही देखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें वेलोसिटी जो है काफी ज्यादा है, तो वेलोसिटी जो है काफी ज्यादा है तो उसमें जो मोमेंटम चेंज करने के लिए टाइम था वो बहुत कम मिला है। ठीक है, तो वो वेलोसिटी जो है पूरी तरह से स्प्रेड नहीं हो पाया क्योंकि समय कम मिला है। लेकिन वहीं पर क्या होगा, मान लेते हैं कि एक वही सेम ग्लास पेन है, उस पर हम लोग एक पत्थर मारा है, तो उतनी वेलोसिटी नहीं है जितनी एक बुलेट की वेलोसिटी होती है, उतनी वेलोसिटी नहीं है, तो क्या होगा, टाइम ज्यादा मिल जाएगा, तो जो मोमेंटम का स्प्रेड आउट होगा वो पूरे में हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, ये पूरा ग्लास का जो पेन है वो पूरी तरह से स्मैश्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब बुलेट से फायर होता है तो जस्ट एक बुलेट इमिडिएटली शेयर्स अ लार्ज वेलोसिटी एंड बुलेट मेक्स जस्ट ए होल। ठीक है, लेकिन स्लो मूविंग स्टोन्स, यहाँ पर बस वेलोसिटी का ही चमत्कार है, स्लो मूविंग स्टोन स्ट्राइक्स द सेम ग्लास पेन, द वेरियस पार्ट ऑफ द ग्लास पेन गेट इनफ टाइम टू शेयर द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, है ना। तो उसमें ज्यादा टाइम मिल जाता है तो शेयर कर देता है वेलोसिटी और पूरी तरह से ये चकनाचूर हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि डिस्क्राइब आवर वॉकिंग इन टर्म्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें भी जब हम लोग चलते हैं दौड़ते हैं सब में क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। तो क्या होता है कि जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग का जो पैर है वो ग्राउंड के तरफ में एक्शन देता है ना, बैकवर्ड पुश करता है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग बैकवर्ड पुश करेंगे, ग्राउंड की तरफ एक्शन देंगे, तो ग्राउंड क्या होगा, उल्टा एक रिएक्शन देगा, है ना। तो ग्राउंड पुशेस आवर फुट फॉरवर्ड, जिसको रिएक्शन कहा जाएगा, इसी कारण से हम लोग चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पर भी, एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, देर आर थ्री सॉलिड्स मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम स्टील एंड वुड ऑफ द सेम शेप एंड सेम वॉल्यूम, विच ऑफ देम वुड हाइएस्ट इनर्शिया। हाईएस्ट इनर्शिया क्या होगा, तो ऑब्वियसली जिसका मास ज्यादा होगा वही होगा। अब क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है, सेम शेप दिया गया है, तो हम लोग को पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम सब में सेम है, तो जिसका भी डेंसिटी ज्यादा होगा उसका ऑब्वियसली मास भी ज्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी एंड मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देख सकते हैं एल्यूमिनियम स्टील और वुड में सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किसका है, तो स्टील का है। तो अगर स्टील का डेंसिटी हाईएस्ट है तो इसका मास भी हाईएस्ट होगा, और इसका अगर मास भी हाईएस्ट होगा तो ऑब्वियसली इनर्शिया भी इसका हाईएस्ट होगा। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सिंस वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट सो इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन डेंसिटी, द ऑब्जेक्ट विच हैज हाईएस्ट डेंसिटी इट विल हैव द हाईएस्ट मास ऑल्सो, बिकॉज डेंसिटी एंड मास आर डायरेक्टली रिलेटेड। तो इफ डेंसिटी हाई देन मास विल बी ऑल्सो हाई, एंड इफ मास इज हाई देन इनर्शिया इज ऑल्सो हाई, सो इन केस इन दिस केस स्टील विल बी हैविंग द हाइएस्ट इनर्शिया।
ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन भी आप इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। 40 नंबर पे चलते हैं कि टू आइडेंटिकल बुलेट्स आर फायर्ड, वन बाई अ लाइट राइफल, एक हल्के राइफल से किया गया, एंड अदर बाई अ हेवी राइफल विद द सेम फोर्स। ठीक है, दोनों में फोर्स जो है वो सेम है, फोर्स इज इक्वल। ये हेवी राइफल है और ये लाइट राइफल है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें मास क्या होगा, इसका तो मास ज्यादा है, इसका मास कम है। मान लेते हैं दोनों में 100 100 न्यूटन है, ठीक है, और इसका मास मान लेते हैं कि हेवी वाला है तो 50 मान लेते हैं और इसका 25 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका 50 और इसका 25, तो 100 के लिए कितना होगा, इंटू करने से 4 एक्सेलरेशन जो होगा 4 होगा, और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 2 होगा। तो सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन किस में हो रहा है, तो लाइट राइफल में। तो क्वेश्चन भी क्या है कि विच राइफल विल हर्ट द शोल्डर मोर एंड वाई, तो देख सकते हैं एक्सेलरेशन जो है सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है, तो ये लाइट राइफल में हो रहा है, क्योंकि फोर्स दोनों में सेम है। क्वेश्चन में दिया गया कि सेम फोर्स, तो अगर सेम फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन जो है लाइट राइफल में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मास कम है। तो इसीलिए अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो रिकॉयल भी ज़्यादा होगा, और रिकॉयल ज़्यादा होगा तो शोल्डर चोट लगने का, टूटने का दर्द सबसे ज़्यादा लाइट राइफल में होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर यही होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 का देखते हैं कि वाटर स्प्रिंकलर यूज्ड फॉर ग्रास लॉन्स बिगिंस टू रोटेट एज सून एज वाटर इज सप्लाइड। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑन विच इट वर्क्स, तो ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ऑब्वियसली ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है, एक्शन रिएक्शन पे। द वर्किंग ऑफ द रोटेशन ऑफ स्प्रिंकलर इज बेस्ड ऑन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जैसे कि जैसे ही पानी आता है कम्स आउट ऑफ द नोजल ऑफ द स्प्रिंकलर, एंड इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स कम्स इनटू प्ले, सो द स्प्रिंकलर स्टार्ट रोटेटिंग। ठीक है, वो एक दूसरे को ठेलते जाता है, ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसी कारण से वो स्प्रिंकलर जो है वो देखिएगा रोटेट करता है, लेकिन वो स्मूथली रोटेट नहीं करता। अगर आप गौर से देखेंगे तो स्प्रिंकलर स्मूथली रोटेट नहीं करता, वहाँ पे एक एक्शन लगता है फिर रिएक्शन लगता है। ठीक है, तो स्मूथ रोटेशन वहाँ पर नहीं मिलता है आपको। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं कि टू फ्रेंड्स ऑन ए रोलर स्केट्स आर स्टैंडिंग 5 मीटर अपार्ट फेसिंग ईच अदर, ये एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल दिया गया है। वन ऑफ देम थ्रोज अ बॉल ऑफ 2 kg टुवर्ड्स द अदर हु कैचेस इट, हाउ विल द एक्टिविटी अफेक्ट द पोजिशन ऑफ द टू, एक्सप्लेन योर आंसर, तो पोजिशन कैसे इफेक्ट होगा। तो मान लेते हैं कि ये बंदा जो है वो इस हेवी 2 kg का बॉल को इसको फेंच रहा है, ठीक है, इस लड़की को फेंक रहा है, तो बॉल का जो मोशन है वो इस तरफ में है, इसीलिए क्या होगा, बैकवर्ड एक रिएक्शन लगेगा, है ना, तो लड़का क्या है, लड़का जो है पीछे चला जाएगा, क्योंकि ये रोलर स्केटिंग पे खड़ा हुआ है। अब क्योंकि ये बैकवर्ड चला गया, अब बॉल जो है फॉरवर्ड मूव कर गया, लेकिन जब ये लड़की कैच करेगी बॉल को, ठीक है, तो उसका जो फोर्स है उसके कारण क्या होगा, लड़की जो है वो भी पीछे चल जाएगी, है ना, तो दे विल मूव बैकवर्ड्स। तो दोनों के केस में क्या होगा, दोनों की जो दूरी है 5 मीटर से वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो सेपरेशन बिटवीन देम विल इंक्रीज। ठीक है, तो आप इस एक्सप्लेन कर सकते हैं एक छोटा सा कार्टून डायग्राम बनाकर कि इफ ये लड़का अगर बॉल फेंक रहा है तो उसका जो मोशन होगा ये पीछे हो जाएगा, द वन हु थ्रोज द बॉल वुड मूव बैकवर्ड, एंड द सेकेंड विल एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, जितना वो फोर्स से फेंका है उतना वो इस लड़की को भी मिलेगा, तो वो भी क्या हो गया, पीछे चल जाएगी, है ना, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही ज़्यादातर आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही दिए जाएंगे। अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखते रहिएगा कि ये बुलेट ऑफ 10 ग्राम स्ट्राइक्स अ सैंड बैग एट ए स्पीड ऑफ 10 to the power 3 meter per second एंड गेट्स एम्बेडेड आफ्टर ट्रैवलिंग 5 cm, कैलकुलेट रेसिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन द बुलेट, द टाइम टेकन बाय द बुलेट टू कम टू रेस्ट। तो आप देखते हैं कि जब भी शूटिंग की प्रैक्टिस होती है तो इस तरह से किया जाता है, तो क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेंगे। तो मास दिया हुआ है, 10 ग्राम, इसको हम लोग SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा 10/1000 kg में आ जाएगा, तो दैट विल बी 0.010 kg। ठीक है, फिर स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, स्पीड इनिशियल स्पीड है, तो यू विल बी व्हाट, 10^3 m/s², ठीक है, पर सेकेंड सॉरी। फिर
डिस्टेंस भी दिया हुआ है। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस एस मान लेते हैं, डिस्टेंस इज आवर 5 सेंटीमीटर, तो इसको भी अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो दैट विल बी 0.05 मीटर। ठीक है, अब ये सैंडबैग को हिट कर रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जा रही है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, तो हमें सबसे पहले निकालना है रेसिस्टिव फोर्स। तो मास तो दिया हुआ है, ठीक है, और रेसिस्टिव फोर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो मास दिया हुआ है, हमें क्या एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो हम लोग ने जो फर्स्ट चैप्टर में इक्वेशंस पढ़े थे, 3 इक्वेशंस, उसी से हम लोग को इसमें एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए एस। ठीक है, तो वी जो है हमारा वो तो जीरो है, ठीक है, यू हो जाएगा हमारा क्या, माइनस साइन रहेगा, 10 to the power 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into a, एस क्या है हमारा तो 0.05 मीटर। ठीक है, तो एक्सिलेशन क्या हो जाएगा, दैट विल बी माइनस साइन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टिव फोर्स की बात की तो रिटार्डेशन होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 10 to the power 6 डिवाइडेड बाई वट 0.1, दैट विल बी एक्सिलेशन आ जा रहा है हमारा 10 to the power -7 m/s² ठीक है, ये नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अब हमें रेसिस्टिव फोर्स निकालना है, तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे कि रेसिस्टिव फोर्स जो होगा एफ इज इक्वल टू एम ए, एम हमारा है 0.10 kg, है ना, तो 0.01 into एक्सेलरेशन है हमारा माइनस में है, तो 10 to the power -7, ये क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है, सॉरी 10 to the power -7 नहीं है, ये +7 है, ठीक है, सॉरी 10 to the power 7, तो ये हमारा हो जाएगा 10 to the power फोर्स हमारा क्या होगा, 10 to the power 5। ये तो एक्सपोनेंट वाले में जब मैथ्स में करा रहा था ये सब तो आपको पता ही होगा, 10 to the power 5 न्यूटन जो हो गया हमारा रेसिस्टिव फोर्स, इसका साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन का, कि द टाइम टेकन बाय द बुलेट टू कम टू रेस्ट, तो टाइम टेकन कैसे निकाला जाए, तो हम लोग को पता है टाइम टेकन निकालने के लिए हम लोग पहला वाला इक्वेशन लगाएंगे, दैट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो वी तो हमारा जीरो है, यू है हमारा 10 to the power 3, एक्सेलरेशन हम लोग निकालें कितना, 10 to the power 7 निकालें हम लोग, ठीक है, एंड टाइम टाइम ही निकालना है। ठीक है, तो टाइम क्या होगा, टाइम विल बी -10 to the power 3 डिवाइडेड बाई वट, 10 to the power 7, ठीक है, टाइम हमारा निकल जाएगा 10 to the power -4 सेकेंड, तो ये हो जाएगा क्योंकि इतना सेकेंड्स हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो द टाइम टेकन बाय द बुलेट टू कम टू रेस्ट, तो बस 10 to the power -4 सेकेंड लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड हर अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं, कि क्या कहता है कि फोर्स ऑफ 5 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 m/s² ऑन ए मास m1 एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 24 m/s ऑन ए मास m2। तो व्हाट एक्सेलरेशन वुड द सेम फोर्स प्रोवाइड इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। ठीक है, मासेस टाइड टुगेदर, सबसे पहले लिखेंगे क्या, फोर्स जो है हमारा सेम फोर्स बोला है ना, तो फोर्स तो सेम ही रहेगा 5 न्यूटन। ठीक है, एक्सेलरेशन मान लेते हैं a1 जो है हमारा 8 m/s² और मास जो है इसका m1 है, सेम a2 क्या है, a2 इज 24 m/s², इसका m2 है। ठीक है, तो हम लोग m1 और m2 निकालेंगे, तो m1 क्या होगा पता है हम लोग को, f इज इक्वल टू एम ए, तो m विल बी व्हाट, m विल बी f बाई a, तो m1 क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, सिमिलरली m2 क्या हो जाएगा 5/24, ये सब क्या हो जाएगा kg में आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो ऐसे यूनिट में दिया हुआ। ठीक है, तो टोटल मास क्या हो जाएगा, क्योंकि बोला गया इफ द मासेस आर टाइट टुगेदर दैट विल बी कैपिटल M विल बी m1 + m2, तो 5/8 + 5/24, तो 24 आ जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 15 + 5, दैट इज हो
हो जाएगा 20 बाई 24, 4 से करेंगे तो हो जाएगा 5 बाई 6 kg। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना है व्हाट एक्सिलेरेशन, एक्सिलेरेशन निकालना बेसिकली, तो एक्सिलेरेशन निकालना, तो एक्सिलेरेशन विल बी F/m। ठीक है, F है हमारा 5 न्यूटन और मास जो है टोटल आ गया हमारा 5/6। ठीक है, तो क्या होगा 5/5 × 6, 5 5 कैंसिल, हमारा 6 m/s² विल बी आवर एक्सिलेरेशन। ठीक है, तो काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर तोड़ तोड़ कर करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द ऑफ ए बॉल मूविंग एट द सरफेस ऑफ ए फ्लोर इज शोन इन द फिगर। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इफ मास इज 100 ग्राम। ठीक है, हम लोग को मास दिया हुआ है, मास ऑफ द बॉल दिया हुआ है 100 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना होगा, और एक्सेलरेशन के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लेंगे, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, वी माइनस यू बाई टी हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है इस ग्राफ से। ठीक है, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, तो 20 हो रही है, तो 20 माइनस, और इसमें टाइम कितना लग रहा है, तो देख सकते हैं 4 सेकेंड लग रहा है, तो एक्सेलरेशन हमारा जा रहा है 5 m/s². ठीक है, 5 m/s², अब हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या फॉर्मूला है, बहुत इजी है, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एफ फोर्स 100 ग्राम है, तो इसको हम लोग को केजी में करना पड़ेगा, दैट विल बी 0.1 kg, 0.1 × 5 m/s, तो कितना हो जाएगा, हमारा आंसर होगा 0.5 kg/s² या फिर 0.5 न्यूटन इज आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको क्वेश्चन को डील करेंगे। इसी से ही रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन है, बट इसका ग्राफ जो है इसका जस्ट ऑपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल मूविंग ऑन द सर्फेस ऑफ अ फ्लोर इज शोन इन द फिगर, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इफ द मास ऑफ द बॉल इज 50 ग्राम। सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसमें ट्रिक क्या होगा, मास तो इसमें वही है 50 ग्राम ही है। ठीक है, तो दैट विल बी 0.05 kg। ठीक है, अब इसमें एक्सिलेशन जो हम लोग निकालेंगे, एक्सिलेशन वही वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ए जो होगा वी माइनस यू बाई टी। अब इसमें देख सकते हैं जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो 30 है, इनिशियल वेलोसिटी इज अवर 30। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, टाइम कितना लग रहा है, तो 6 सेकंड लग रहा है, तो कितना आएगा एक्सेलरेशन, -5 m/s², फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, तो दैट विल बी 0.05 × -0.5 × 5, ये हमारा आंसर क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में कितना आएगा, तो नेगेटिव में आएगा माइनस जीरो सॉरी 0.25 न्यूटन, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, हो चुका है, तो ये ग्राफ को बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस तो आना ही आना है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 पर देखते हैं, ये भी ग्राफ रिलेटेड है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन ऐसे 4 मार्क्स के दिए जाते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इज 50 ग्राम इज शोन इन द फिगर, ऑब्जर्व द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल 0 to 3 सेकेंड, तो 0 to 3 सेकेंड ये वाला। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है फोर्स निकालना है, तो इस केस में हम लोग को सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन वही वी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी निकालेंगे, तो ये हम लोग ए के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है 120, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, टाइम कितना लग रहा है 3, ये हो जाएगा हमारा 40 m/s², फोर्स क्या होगा, फोर्स विल बी 40 m/s × मास इज गिवन 0.05 kg। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा क्या, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन हमारा एक्सेलरेशन निकलेगा फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड। फिर कैलकुलेट द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल 6 to 10 सेकेंड,
6 to 10 सेकेंड्स में, मतलब ये वाला पार्ट बताया जा रहा है। तो इसमें एक्सीलरेशन क्या होगा, वी माइनस यू बाई टी। तो वी यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जीरो है, यू क्या है हमारा, तो यू इज आवर 120। टाइम क्या हो रहा है, तो देख सकते हो 6 से 10, 6 से 10 मतलब 4 सेकेंड, यहाँ पर कितना होगा, तो -30 हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव में आएगा तो रिटार्डिंग होगा, है ना। तो यहाँ पे होगा -30 × 0.05, दैट इज यहाँ पर आएगा -1.5 न्यूटन। ठीक है, ये भी निकल गया। फिर सी क्या है कि इज देयर एनी टाइम इंटरवल इन विच नो फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। यस, देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ए से लेकर बी, यहाँ पर नो फोर्स एक्ट ऑन इट कैसे, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्सिलरेशन जो होगा ये जीरो होगा एक्सिलरेशन, क्योंकि वी और यू यहाँ पर 120 120 है, 120 माइनस 120 क्या होगा, तो जीरो हो जाएगा। जब एक्सिलरेशन ही जीरो हो जाएगा तो मास कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, फोर्स जीरो ही होगा, तो ये करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, तो फॉर दिस केस ए टू बी दैट इज फ्रॉम 3 to 6 सेकेंड द फोर्स इज जीरो एज बिकॉज एक्सिलरेशन इज जीरो, है ना, कॉन्स्टेंट है वहाँ पर। ठीक है, तो इस ग्राफ को अगर अच्छे से समझे होंगे तो आप इसको क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 22 नंबर पे। क्वेश्चन में क्या है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि ये हॉकी बॉल ऑफ मास ऑफ 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड स्ट्रक बाई ए हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पाथ विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक हॉकी इधर मारे तो वो 10 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है और वो वापस ओरिजिनल पाथ में आता है विद द 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मास तो सेम ही रहेगा, मास इज 200 ग्राम, दैट इज हमारा 0.2 kg। तो हमेशा ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो हम लोग पहले इनिशियल मोमेंटम करेंगे, इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो एम आई से डिनोट करता है, तो इनिशियल मोमेंटम, मास है हमारा 0.2 एंड वेलोसिटी है हमारा 10, तो हमारा आ जाएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड। फिर फाइनल मोमेंटम क्या होगा, जब वो वापस आ रहा है। ठीक है, फाइनल मोमेंटम मीन्स एम एफ क्या होगा, वो होगा 0.2 kg × 5 मीटर पर सेकेंड, ये माइनस में होगा तो 5 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा ये कितना होगा, तो मोमेंटम आ गया -1 kg/m। ठीक है, अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो चेंज इन मोमेंटम हम लोग को पता है कि चेंज इन मोमेंटम दैट इज डेल्टा पी विल बी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम हमारा कितना है, ठीक है, तो दैट विल बी सॉरी 2। ठीक है, तो 2 - -1, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 2 - -1, तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा चेंज इन मोमेंटम में एम वी माइनस एम यू ये है ना, ये हमारा आ जाएगा 3 kg/s। ठीक है, तो 3 kg/s हमारा आ जाएगा, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा 3 kg/s। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 23 पे आता है कि अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 m/s across a frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. ठीक है, what is the force of friction between stone and the ice? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से दिया गया है कि मास जो दिया हुआ है 1 kg है। ठीक है, वेलोसिटी जो दिया हुआ है 20 m/s है। ठीक है, और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो दैट इज 50 m। ठीक है, तो थ्रोन विद वेलोसिटी 20 m/s अक्रॉस फ्रोजन स्लेक ऑफ लेक एंड कम टू रेस्ट।
ठीक है, तो कम टू ये रेस्ट में आ जाता है। तो हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाना है, बेसिकली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना। तो वही, इसके लिए हम लोग को एक्सेलरेशन पहले निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन के क्या करना पड़ेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए एस। तो वी स्क्वायर हमारा है 20 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, रेस्ट पे आ जाएगा। 2 इंटू a इंटू s दैट इज 50 मीटर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन विल बी 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 50, ये कैंसिल, ये नीचे हो गया हमारा 40 बाई 10, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। अब फोर्स तो हमारा बहुत इजी से निकल जाएगा, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारा आ जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। तो m इंटू ए, मास दिया हुआ 1 kg और एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स हमारा आ जाएगा माइनस में 4 न्यूटन, ठीक है, माइनस में आएगा क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की बात की है। तो 4 न्यूटन विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में और भी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप उसमें भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको और प्रैक्टिस होगा। जितना टाइप्स का क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से रिलेटेड, मैंने उसमें इसको ऐड करने की कोशिश की गई है, ठीक है। और भी वीडियोज़ आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें मैं और भी इसमें न्यूमेरिकल्स अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी डील करूंगा, लेकिन वो वीडियो आएंगे थोड़े टाइम बाद में। अब मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो उसको भी जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके कोई डाउट सजेशन हो तो कह सकते हैं, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं मुझसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।